उत्तर प्रदेश में 59,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह सोमवार को भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकारी आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बता दें कि पुलिस के रोकने पर अभ्यर्थी सड़क पर ही लेट गए थे। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस ने जबरन अभ्यर्थियों को इको गार्डन में ले जाने के लिए बस में बिठा दिया। दरअसल नियुक्ति की गुहार लगा रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार नियुक्ति दे, अब हमारे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है।